राम ही राम, बुद्ध के नाम। दरअसल पाली के अंदर बुद्ध के बाद, क्योंकि बुद्ध के समय जहां लोग रमण करते थे, जहां रमते थे ध्यान में, साधना में, तप में बैठते थे एक साथ, उस जगह को आराम बोलते हैं। सुरा मेरे मज पम्मट कांगर मन सिखा पदं समाधियामि, सुरा मेरे मज पम्मट कांगर मन सिखा। बुद्ध के राम, आराम में रहने वाले राम, बुद्ध की रमणी, बुद्ध की रमाई, बुद्ध की रामा, बुद्ध के जैतवनाराम, बुद्ध के पुब्बाराम, बुद्ध के घोषिताराम, और भी सुनिए कितने राम, श्री राम, श्रीमा, रामपाल, राम सिंह, रामचंद, राम नरेश, राम भज, राम बिहारी, राम खिलावन, राम कुमार, राम अवतार, राम जी लाल, राम मनोहर, राम लाल, राम आनंद, रामापति, रमन सिंह, रमन साहा, राम किशन, राम इसी, राम दास, राम दर्शन, राम लखन, राम रतन, राम हरि, राम किशोर, राम शंकर, राम श्रोमणी, राम आसरे, राम गोपाल, राम प्रताप, राम सागर, राम भजन राम, राम भज राम, राम विलास राम, राम विलास पासवान, राम विलास तारा राम, संत राम, श्री राम, शुद्ध राम, रामू राम, राम जयसवार, ऋषि राम, हरि राम, विनय राम, प्रदीप राम, चौथी राम, जग्गी राम, दयानंद राम, छेदी राम, लखन राम, प्यारे राम, मांगे राम, अनंत राम, राम राम, राम भगवल, गंगा राम, बाबू राम, पारस राम, चेला राम, रामा, रामोतार, राम बिहारी, धनी राम, धन्ना राम, सुख राम, संघाराम, जैतुना राम, पुब्बा राम, बलराम, जग राम, मनी राम, सेवा राम, जेठा राम, पूनम राम, दया राम, हरी राम, सजना राम, सुवचन राम, राम गोविंद, राम सुजान, राम धारी, राम करण, राम निवास, राम जन्म, राम राजा राम, राम किशोर, जग नारायण राम, राम वचन, रमेश राम इसी, रूप राम, राम प्रसाद, याद राम, रामजीत, ज्योति राम, सिद्ध राम, राम ही राम, बुद्ध के नाम। दरअसल पाली के अंदर बुद्ध के बाद, क्योंकि बुद्ध के समय जहां लोग रमण करते थे, जहां रमते थे ध्यान में, साधना में, तप में बैठते थे एक साथ, उस जगह को आराम बोलते हैं, जहां पे रमते थे लोग। और जो रमते थे उनको बुद्ध के बाद में, बहुत बाद में जाके रमण करने वाले को राम कहने लगे, और जो रमणी होती थी यानी कि जो रमती थी उसको रमणी कहने लगे। तो कहते हैं ये बड़ा रमणी स्थान है, रमणी के स्थान है। रमणी के स्थान का मतलब है कि जहां पर ध्यान में, साधना में, तपस्या में रमण किया जा सके, जहां से पॉजिटिव वेव्स और जहां से सुंदरता, जहां से बहुत अच्छा लगे, तो वो रमणी के स्थल हो गया, यानी जहां रमते थे। तो जितने भी लोग बुद्ध के बहुत बाद में जाके, लगभग अभी 700-800 साल पहले की बात है, तो जितने भी लोग रमते थे उनको कहते थे कि ये रमने वाले लोग हैं, रमण करने वाले लोग हैं, रमते हैं, तो उनको राम कहते थे, और जो रमती थी उनको हम रामा या रमाई या रमणी बोलते थे, जो जोग में, योग में, तप में, साधना में, विपसना में, क्योंकि जोग माने होता है योग, और योग माने होता है अपनी अच्छाइयों को जोड़ना, विपसना, साधना, तप के थ्रू। बुद्ध के समय में जो पूब में यानी पूरब में होता था स्थान, जहाँ सारे बुद्ध रमते थे, रमण करते थे, ध्यान करते थे, साधना करते थे,
उसको पुब्बा राम बोला करते थे, और जो जैतवन के राजकुमार से खरीदा था सुदत्त ने, नाथ पिंडक ने, उसको जैतवना राम बोलते थे, यानी कि जहाँ जैतवन में। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैतवना राम का मतलब है जहाँ भिक्कू आराम करते हैं, जहाँ बुद्ध आराम करते हैं। दरअसल बुद्ध 24 घंटे में कभी भी आराम नहीं करते थे, क्योंकि वो 24 घंटे में साधना में, तप में और ध्यान में रहते थे। और जितने भिक्कू हैं वो भी कभी आराम नहीं करते, क्योंकि भिक्कू कभी आराम नहीं कर सकता। अगर आराम करेगा तो राग में आ जाएगा, और राग में आ जाएगा तो फिर भिक्कू नहीं रहेगा। तो बेसिकली शरीर को कैसे रिलैक्स करते थे, क्योंकि शरीर तो रिलैक्स होना है। तो बुद्ध सिंह सैया में लेट जाते थे, जैसे शेर लेटता एक तरफ ऐसे लेट जाते थे। आंखें उनकी आधी बंद रहती थी आधी खुली रहती थी, मगर जगे रहते थे, जागृत रहते थे। और जो विपसना में होते हैं, खासतौर से बुद्ध होते हैं, बुद्ध जैसे लोगों को कभी नींद नहीं आती, जो विपसना साधना करते हैं वो भी नहीं, मगर शरीर को रिपेयर करने के लिए, सेल्स को रिपेयर करने के लिए वो अपने शरीर को स्थिर कर देते हैं एक साथ। स्थिर मतलब हिलेगा डुलेगा नहीं, सेल आप रिपेयर होती रहती हैं, जैसे हम रात को सोते हैं। जितना राग द्वेष वाला आदमी होगा वो उतना ज़्यादा सोता है, और जितना साफ और सच्चे मन का होगा उतना कम सोता है। तो जितने भी लोग थे जो बाद में रमते थे और जो राम का यान करते थे, यानी कि रमणे का ज्ञान करते थे, रमणे की बुद्धि अपनाते थे, रमणे का ज्ञान, यान का मतलब ज्ञान होता है, तो राम यान हो गया, राम यान। तो वो सारा सारा रमणे का जो ज्ञान था, यान था, उसका बाकायद में बराबर एक डॉक्यूमेंट चलता रहता था कि कैसे हम जानने के लिए पहचाने, वो त्रिपिटक में बार बार बताया जाता है। तो इसलिए वहाँ के लोग इतने ज़्यादा रमते थे कि उनके नाम के आगे पीछे, क्योंकि वो बिहार में जाते थे और वहाँ जाके रमते थे, तो रमने वाले को राम बोलते थे। जैसे आज के समय कोई आदमी अगर हज करने चला जाए तो कहते हैं हाजी जी, अरे भाई जब हज कर रहा है तब हाजी था, मगर उसको यहाँ भी कहते हैं ये हाजी जी हैं, क्योंकि हज करके आए हैं। तो कोई बंदा अगर जैसे कहीं धामों की यात्रा कर लेता है तो उसको कहते हैं ये बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि धामों की यात्रा करके आए हैं। तो वैसे ही जब उस समय व्यक्ति जो रमता था, जो साधना में जाता था, तपता था, उसको कहते हैं ये राम है। उस समय राम होता है जब वो आराम के अंदर बैठकर, आराम को आज के समय बिहार बोलते हैं, यानी बिहार में बैठकर जब वो रमता था तब उस व्यक्ति को राम बोलते थे। कि भिक्कू नहीं बोल सकते इसको, भिक्कू इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि भिक्कू तो स्पेसिफिक 24 घंटे रमता है तो उसको भिक्कू बोलेंगे, मगर गृहस्थ आदमी तो 24 घंटे रमता नहीं, वो तो अपना गृह छोड़ता नहीं, अपना घर छोड़ता नहीं, इसलिए उसको बोलते थे ये आराम में रमण कर रहा है, ये राम है। तो उसको उपासक को राम की उपाधि दी गई। इसलिए बिहार और बिहार के आसपास और मगध में इतने ज़्यादा नामों के पीछे राम मिलते हैं, क्योंकि सभी लोग रमते थे और सभी रमणी थी, सभी रमा थी, सभी रमाई थी, इसलिए वहाँ के लोगों के नाम है। और वहाँ के अलावा पूरे भारत में कहीं के लोगों का नाम राम नहीं पड़ता आगे पीछे, अधिकतर उसी क्षेत्र के लोगों का पड़ता है। बाद में चूंकि ये नाम आगे बढ़ता रहा तो लोग फेमस होते रहे, और ये रमण करने का जो राम वाला नाम है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। ये गुणवाचक नाम है बुद्ध के साहित्य और बुद्ध के हिसाब से। गुणवाचक मतलब जो साधना करता है, मेडिटेशन करता है, तपस्या करता है, उस समय उसको राम बोलते हैं। जैसे जो हज करता है उस समय उसको हाजी बोलते हैं, जब हज करना बंद कर देगा तो फिर हाजी नहीं है, हाजी उसी को बोलते हैं। ऐसे ही जो रमण करेगा साधना में उसको राम बोलेंगे। तो ये गुणवाचक है, यानी कि जो व्यक्ति काम करेगा, जैसे कोई अगर गाड़ी चलाता है तो उसको ड्राइवर बोलेंगे, मगर जब वो गाड़ी नहीं चलाता हम तब भी उसको ड्राइवर ही बोलते हैं, अरे हमारा ड्राइवर कहाँ है, हालांकि वो गाड़ी नहीं चला रहा। तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम खुद ड्राइवर बन जाते हैं, मगर हम अपने आप को ड्राइवर नहीं बोलते, क्योंकि ड्राइवर का काम छोटा माना जाता है। तो हम कहते हैं हम तो साहबी हैं, हम तो बड़े लोग हैं, हमने गाड़ी चलाई तो हमारा शौक है, मगर कोई और छोटा आदमी अगर गाड़ी चलाएगा तो वो हमारा ड्राइवर है, और जब वो गाड़ी नहीं चलाएगा तब भी हमारा ड्राइवर है। तो हम उसको छोटा करके हाँकने, अपने आप को बड़ा करने का मनुष्य का स्वभाव होता है ना, तो वो लगा हुआ है, क्योंकि समानता तो चली गई, बुद्ध धर्म तो चला गया, दुनिया भर के आडंबर आ गए हैं। तो उसी तरह से लोग जो रमण नहीं करते थे बाद में भी अपने नाम के आगे पीछे राम से बुलाए जाते थे, इसलिए राम नाम बहुत फेमस है और वही बुद्ध के राम है, और इसीलिए बार 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 ये नाम फेमस दुनिया में, यानी भारत में सबसे ज्यादा रहता है। धन्यवाद। तं शरणं गच्छामि तं शरणं गच्छामि।
शरणं गच्छामि Sangam.